हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे बेस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ, जिसे आप शिद्दत के साथ डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी फिजिकल एजुकेशन के कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक मेरे चैनल पर क्लियर हैं। थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर एंड बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने लगवाए हुए हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है एंड फ्री में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, अब 15 से 16 17 दिन बचे हुए हैं और बीच में होली भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आप एकदम शिद्दत के साथ लगिए, क्योंकि सीट इतना कम होते हैं फिजिकल एजुकेशन में अदर सब्जेक्ट के हिसाब से। क्या आप सोच ही सकते हैं? आप खुद देख रहे हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें सरल ग्रंथि सिंपल ग्लैंड कौन है? जैसा कि ग्लैंड एक्जोक्राइन यानी कि बहिस्त्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है एंड एक मिक्स ग्लैंड होती है जो अग्नाशय होती है। आपको मैंने ग्लैंड वाले वीडियोज में अच्छे से बताया हुआ है। तो जो मिक्स ग्लैंड होती है अग्नाशय होती है। उसके अलावा एक्जोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्त्रावी ग्रंथि जो एंजाइम का स्त्रावण करती है, जैसे कि हमारा अमाशय, छोटी आंत एंड ये हो गए। और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन जो नलिका विहीन होती है, ये हार्मोन्स स्त्रावित करते हैं। एंड जो मिक्स ग्लैंड होता है जिसे अग्नाशय, वो हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों स्त्रावित करते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल ग्लैंड है, एक्जोक्राइन एंडोक्राइन दोनों आपका हो जाएगा सिंपल ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड होगा आपका अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवैलिक प्रक्षेप पथ यानी पैराबोलिक पथ जो होता है, जैसे कि मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री में जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें मैंने बताया हुआ है प्रक्षेपण वाले वीडियोज में कि किस जेवलिन हो गया, शॉर्ट पुट, डिस्कस आदि को किस कोण पर, किस एंगल पर फेंका जाए वो अधिकतम दूरी तय करे। इसका ज्ञान हमें प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेपण के अंतर्गत होता है। जैसे किसी भी वस्तु को आप 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो ज्यादा लंबा दूरी तय करेगा, जबकि 90 अंश पर फेंकने पर वह कोई भी दूरी तय नहीं करेगा। तो दोस्तों, ट्रेजेक्ट्री जो होता है, जो एक पथ होता है फेंकने का, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? फेंकी गई वस्तु के उड्डयन पथ को भी ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। ये तीन प्रकार का होता है, वर्टिकल एंड दूसरा ऑब्लिक्यू यानी कि परवलयाकार, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सीधे ऊपर जाएगा, हॉरिजॉन्टल जमीन के समानांतर जाएगा, लेकिन परवलयाकार जो होता है, ऑब्लिक्यू जो होता है, जो जैसे कि हम अधिकतर 45 अंश पर फेंकते हैं दोस्तों, तो वह परवलयाकार ही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि परवलिक प्रक्षेप पथ, पैराबोलिक पथ कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो ये दोस्तों, जैसे कि ए आपका जमीन हो गया, यहाँ से एक कोई भी फेंक रहा है गेंद को, तो ऐसे फेंकेगा और इसका पथ बन जाएगा ऐसे, एकदम सेतु जैसा बन जाएगा, ठीक है? तो इसी को पैराबोलिक पथ कहा जाता है, जो 45 अंश के कोण पर ज़्यादातर फेंका जाता है। ऑब्लिक्यू होता है यह, तो यहाँ सेतु जैसा रेंज बनेगा। ये क्वेश्चन आया भी था दोस्तों। नेक्स्ट है, अगर प्रक्षेपण को 30 डिग्री बनेगा फेंका जाए 30 डिग्री पर, तो प्रक्षेप पथ कैसा होगा? दोस्तों, 90 अंश पर फेंकेंगे तो वर्टिकल होगा, और एकदम क्षैतिज फेंकेंगे तो शून्य कोण होगा, और उसके अलावा जो भी फेंकेंगे तो उसमें परवलयाकार ही बनेगा यानी कि सेतु जैसा ही बनेगा। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री पर भी अगर हम फेंकेंगे तो भी इसी तरह बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परवलयिक यानी पैराबोलिक पथ बनेगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोलांटो पश्च कपाल अस्थि संधि उदाहरण है। तो दोस्तों, एक इसका उदाहरण है, तो दोस्तों यह उदाहरण है संतुलन बनाता है। तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत, फर्स्ट ग्रेट लीवर के अंतर्गत आएगा और यह अचल संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, शरीर की पदांगुलियों पर उठाना यानी पंजों पर खड़ा होना किस प्रकार की लीवर का उदाहरण है? मैंने आपको लीवर को इतने अच्छे ढंग से बताया हुआ है दोस्तों कि कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, लीवर वाले वीडियो को एक बार देख लेंगे। तो पदांगुलियों पर खड़ा होना द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। कौन सा प्रकार का उत्तोलक है? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, सेकेंड प्रकार का लीवर है। क्यों? क्योंकि
सेकेंड प्रकार के लीवर में जो रेसिस्टेंस यानी भार होता है वो बीच में होता है एक्सिस और फोर्स के बीच। तो जब हम उंगलियों पर खड़े होते हैं तो पूरे भार हमारे उंगलियों पर होता है, पैरों पर होता है, ठीक है, जो बीच में फोर्स है तो वहाँ पे हो जाएगा। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, जो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि एफ ए आर 312, यानी कि फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में, सेकेंड प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में, और थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स यानी बल बीच में होता है। फर्स्ट प्रकार के लीवर को संतुलन का लीवर, सेकेंड लीवर को बल का लीवर एंड थर्ड लीवर को गति का उत्तोलक लीवर कहते हैं। मानव शरीर में सबसे ज्यादा तृतीय प्रकार का उत्तोलक पाया जाता है। एंड सेकेंड प्रकार के लीवर में डिप्स यानी पुशअप लगाना, जबड़े का खुलना बंद होना, प्लांटर फ्लेक्शन यानी कि पंजों के ऊपर खड़ा होना, एंड बास्केट और वॉलीबॉल में पंजे से जंप करना, ये सभी चीजें आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आएंगे। एंड फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है, तो इसमें आपका शरीर में हमारे एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म यानी कि बांह को फैलाना और एंकल फ्लेक्शन, सिर को आगे पीछे झुकाना, एंड वॉलीबॉल में स्मैश करना, वी सीटअप, ये फर्स्ट लीवर में आ जाएगा। थर्ड प्रकार के लीवर जिसमें फोर्स बीच में होता है, उसमें आपका नाव चलाना, बेलचे से मिट्टी उठाना, एंड हमारे बॉडी में आर्म फ्लेक्शन यानी कि हाथ को मोड़ना, थाई फ्लेक्शन, हेमेस्टिंग कर्ल, घुटनों का मोड़ना, सीट अप, हाथ को ऊपर उठाना आदि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चप्पू और बेलचा उदाहरण है। दोस्तों चप्पू और बेलचा से जब हम मिट्टी उठाते हैं तो डायरेक्ट फोर्स जो होता है वो बीच में लगता है। इसका मतलब बीच में फोर्स है, बल है, तो कौन सा लीवर हो जाएगा, आप ही दिमाग लगा सकते हैं। तो बीच में फोर्स है तो कौन सा लीवर हो जाएगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के उत्तोलक में बल और प्रतिरोध दोनों धुरी के एक ओर होते हैं और अनुपयुक्त बल धुरी के निकटतम होती है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर निकल के एकदम फटाक से आ जाएगा। एक कह क्या रहा है कि बल जो है धुरी के निकटतम रहेगा, ठीक है। हम धुरी को यहाँ पे हम एक्सिस यानी धुरी बना दे रहे हैं, अब बल जो है धुरी के निकटतम है तो यहाँ पे फोर्स बना दे रहे हैं। कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि बल और प्रतिरोध धुरी के एक ओर होंगे, तो यहाँ पे हम प्रतिरोध को बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लीवर बन गया दोस्तों, ये आपका धुरी की एक ओर ही है दोनों, रेसिस्टेंस और फोर्स, लेकिन कह कह रहा है कि जो फोर्स है वो धुरी के एक्सिस के निकटतम है, तो कौन सा लीवर बन गया, तो दोस्तों लीवर बन गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी कि फोर्स बीच में तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर को दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन पूछ रहा है इस टाइम। नेक्स्ट दोस्तों, सामान्य कटी वक्रता यानी कि जो हमारे कमर वाले भाग में वक्रता होता है, समझ जाइए किसके बारे में बात कर रहा है। कटी वक्रता यानी नॉर्मल लंबर कर्व, यानी कि लंबर यानी कि कमर में गड्ढा जैसा हो जाता है, कर्व बन जाता है, वर्धित पश्च उत्तलता यानी कि आगे की तरफ पेट निकल जाता है और पीछे जो है कमर गड्ढा जैसा कर्व बन जाता है, इसको हम कहते हैं लार्डोसिस। क्या कहते हैं, लार्डोसिस यानी कि अग्रकुब्जता कहते हैं। और जब पीछे की तरफ निकल जाता है हमारा जो पीछे वाला वक्ष वाला भाग है उसको यानी पश्च कुब्जता, उसको काइफोसिस कहा जाता है, जिसे कुबड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेरुदंड का दाई या बाई ओर झुकाव क्या कहलाता है दोस्तों, तो लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन यानी कि स्कोलियोसिस, उसको पार्श्व कुब्जता यानी कि लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन बोला जाता है स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है, अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि यानी इनसाइट एंड ऑब्जर्वेशन मेथड, निम्नलिखित में से क्या संबंध है, तो दोस्तों इनसाइट थ्योरी जो है कोहलर ने दिया है, एक चिंपैंजी पर उन्होंने किया है कि वो चिंपैंजी जो है परिस्थितियों को ऑब्जर्व करता है और अपना दिमाग लगा करके उस केले को खा लेता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, इनसाइट एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि से लगाया जाता है, तो दोस्तों
यह लगाया जाता है बायोग्राफी के द्वारा, जीवन वृत्त के द्वारा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रमाणिक विधि निम्न में से कौन सी होती है? तो वह होती है अंतर्दर्शन। ठीक है, निरीक्षण, प्रयोग, प्रश्नावली, ये तो प्रमाणिक होती ही है, अंतर्दर्शन इसको सबसे कम प्रमाणिक विधि माना गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्न में से कौन सी है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ आप समझ सकते हैं कौन सी होगा, प्रयोग करना। ठीक है, प्रैक्टिकली जो होता है वही सबसे प्रमाणिक होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन उपरोक्त सभी विधियां हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण अध्ययन की विधियां। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ बीच में मैंने जो भी क्वेश्चन था आपके एग्जाम व्यू के लायक नहीं था उसे मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब मैं आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल जो 776 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक चला, कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुआ था, किस यूनानी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? ये क्वेश्चन हर बार आ जा रहा है, तो ये जीएस देवता के सम्मान में होता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों जो 776 ईसा पूर्व के आरंभ में एकमात्र प्रतियोगिता होती थी, तो उस समय केवल एथलेटिक वाली क्रिया यानी दौड़ प्रतियोगिता होती थी। ठीक है, बाद में इतने सारे नए नए चीजें आविष्कार हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था? दोस्तों तो 776 से 394 तक कुल चला, 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इस पर रोक लगा दिया था, थियोडोसियस प्रथम ने। नेक्स्ट है, 1975 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिक नगर की खुदाई हुई? तो दोस्तों प्राचीन ओलंपिक नगर की खुदाई करने वाला पहला व्यक्ति हुआ अर्नेस्ट कॉर्टियस, जो जर्मनी का भूशास्त्री था। 1975 में इन्हें खुदाई करके पता किया कि ओलंपिया नगर में खुदाई करके पता चला कि वहाँ पर प्राचीन ओलंपिक खेल होता था, उसका प्रमाण मिला। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुआ? तो आप सबको पता है बेरेन पीएजी कोबर्टिन के द्वारा आधुनिक ओलंपिक खेल को 1896 एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप सबको पता है आधुनिक ओलंपिक के पितामह कहे जाते हैं बेरेन पीएजी कोबर्टिन, जो फ्रांस के थे। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पितामह किसे कहा जाता है? तो बेरेन पीएजी कोबर्टिन को। नेक्स्ट है, कोबर्टिन ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? दोस्तों तो जो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन जो है वो भी उसी समय उन्होंने IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना किया पेरिस के सर्वोन नामक स्थान पर। कहाँ पे? सर्वोन नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, टिबियल्स एंटीरियर निम्न गति कराने में मददगार है? तो दोस्तों जो हमारा टिबियल्स एंटीरियर जो ज्वाइंट है वो चल संधि के पास होते हुए भी अचल संधि है, तो यहाँ पे ना फ्लेक्शन होगा ना एक्सटेंशन मोमेंट होगा, तो यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं होगा क्योंकि यह अचल संधि के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, इसलिए आपको सभी चीजें बारीकी से पढ़ना है दोस्तों। हमारे अचल संधि में हमारे खोपड़ी का जोड़, हमारे खोपड़ी के जोड़ को सूजर कहा जाता है, दांतों का जोड़ जिसे बेग एंड सैकेट ज्वाइंट या गोम्फोसिस बोला जाता है, एंड एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट है, पांव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? जो हम पांव के तलवे को उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो अंदर की ये चीज को इन से शुरू होता है, इन आउट इन, तो यहाँ पे इन पर चले जाइएगा उसको कहा जाता है इनवर्जन। ठीक है, बी परिवर्तन, पांव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना इनवर्जन, ठीक है, और बाहर की तरफ मोड़ना ई वर्जन बहिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हथेली को आगे अथवा ऊपर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? तो आगे या ऊपर की तरफ मोड़ने को कहते हैं दोस्तों सुपाइनेशन पोजीशन, यानी कि हथेलियां जो है आसमान की तरफ रहेंगी और हम पीठ की तरफ लेटे रहेंगे, उसे कहते हैं सुपाइन उत्तानन यानी कि सुपाइनेशन पोजीशन। और जब हथेलियां नीचे की तरफ जमीन को फेस करेंगी और पेट की तरफ लेटेंगे उसको प्रोनेशन कहा जाता है।
नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक गति या शरीर के अंगों की गति का स्थान, समय, बल तथा संवेगात्मक घटकों के परिवर्तन बदला जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विंटर्स का। नेक्स्ट है कोहनी यानी एल्बो में निम्न गति होती है। तो दोस्तों कोहनी यानी एल्बो में फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट होता है। कौन सा मोमेंट होता है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट, आकुंचन प्रसारण होता है। नेक्स्ट है व्यायामियों की लगभग 20% चोटें कंधों से संबंधित होती हैं। सबसे अधिक कुश्ती, बेसबॉल तथा खेल के मैदान की गतिविधियों से होती है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है रास वर्क नेल्सन का। नेक्स्ट दोस्तों, वे अस्थियां जो न तो लंबी होती हैं, न लघु, न चपटी, किस श्रेणी में आती हैं? तो इस प्रकार की अस्थियां दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी प्रकार की होती हैं, बिना कोई डिजाइन का। तो उसे इरेगुलर यानी अनियमित अस्थियां कहते हैं। इरेगुलर यानी कि अनियमित अस्थियां कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अस्थियों को आकार आकृति के आधार पर 5 भागों में क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसामोइड बोन। लॉन्ग बोन जो है लीवर का काम करती हैं, जैसे हमारे हाथों पैरों में जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला होती हैं, जिसके अंदर खोखले वाले भाग को हेवेसियन नाल कहते हैं। इसके अंदर अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो होता है, जिससे रक्त का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। एंड दूसरा होता है शॉर्ट बोन, जो हमारे कार्पल और टार्सस हड्डियाँ होती हैं कलाई और टखने की। एंड तीसरा होता है फ्लैट बोन, जो चपटे चपटे प्रकार की होती है, जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे कपाल में, हमारी पसलियाँ, हमारे स्केपुला। एंड चौथा होता है बिरौल या अव्यवस्थित या इरेगुलर बोन, जो हमारे चेहरे और रीढ़ की हड्डियाँ आती हैं। और पांचवा होता है सिसामोइड बोन, जिसे कंड्रास्थिया भी कहते हैं। एक कंड्रा यानी टेंडन्स में जोड़ों के आसपास विकसित होती हैं, जैसे कि ये अब ज़्यादातर इसका एग्जाम्पल है घुटने की, जो पटेला अस्थि होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपित होने पर छोटे या मोटे आकार में परिवर्तित होने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों छोटे आकार यानी फ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पेशी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकुचनशीलता इसको कहा जाता है। जब छोटा होता है तो छोटे मोटे आकार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपका हाथ ही है, आप हाथ को ऊपर की तरफ करेंगे तो जो आपका बाइसेप्स मसल्स हो जाएगा छोटा हो जाएगा और मोटा बीच में उठ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे संकुचनशीलता यानी कि कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। अब जब हम नीचे की तरफ करेंगे लंबा हो जाएगा, खींचेगा, लंबा समान लंबाई से अधिक होगा, तो उसे हम कहेंगे लचक यानी कि इलास्टिसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य लंबाई से अधिक फैलने तथा खींचने की योग्यता क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है लचक यानी इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का अंग है। तो बड़े क्षेत्र का अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है जेबी नैस का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है। तो यह कथन है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है आर वेमन का। नेक्स्ट है कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है? दोस्तों तो वह होता है हमारा ब्रिक यानी किडनी, जो होता है हमारे शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। जो आपके लिए उपयोगी है वही क्वेश्चंस को मैंने रखा हुआ है, जो भी उपयोगी नहीं है उसको सब डिलीट कर दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।